अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और मैं वापस आ चुका हूँ दोबारा से आपके नई वीडियो लेके। अभी सुबह सुबह हम जा रहे हैं अपने काम पे। पूछा मैंने कुछ, और पेट्रोल ने जो मारी है रात को हमारे दिल पे छुरी, वो तो बहुत ही सख्त आग लगी है। लेकिन हमारी आज मजबूरी है कि हमने नेशनल कार को निकालना है और अपने साथ लेके जाना है, वरना हम कभी भी इसको ना लेके जाते, क्योंकि हमारा एक पार्सल आया वो भी पिक करना है, कुछ पार्सल ड्रॉप करने हैं, कुछ एक दो काम है वो भी साथ करने हैं, तो इसको लेके जाना लाजमी है, वरना जो आज रात को हो चुका है तो गाड़ी को आग लगा देनी चाहिए। कल बारिश तो हुई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद कोई मौसम आज अच्छा हो, लेकिन गर्मी इतनी है, मैंने शॉर्ट्स फिर पहने। मैंने कहा गर्मी से तो जान ऐसे छूट सकती है, अपने कपड़े कम कर लो तभी गर्मी से जान छूट सकती है, वरना गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। मुझे तो अभी ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान में होने क्या वाला है। जो हालात हो चुके हैं और जितना पेट्रोल महंगा हो गया यार, हद कर दिए इन्होंने। आज शुक्र है मेरे बाल थोड़े टिक गए हैं, वरना मूवमेंट टिकते नहीं हैं इतने आराम से। मैंने किसी ना किसी तरह करके इन्हें टिका ही लिया आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं अपने व्लॉग देखता हूँ कि मेरा बूथा बहुत बड़ा आ रहा है और मैं बहुत क्लोज हूँ। हालांकि मैं अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेच करके रखता हूँ ताकि मेरा मुंह थोड़ा छोटा है, लेकिन शायद मेरा बूथा ही बड़ा है। बात तो सही है। एटीएम से यार कुछ पैसे निकालने काम आ जाएंगे। ये एटीएम मेरा फेवरेट एटीएम है। एक तो बात यह है कि मेरा यूबीएल का है, और दूसरा ये है कि बंदा आराम से गाड़ी में बैठे बैठे भी इससे ले सकता है, निकाल सकता है पैसे। ऐसा तो आज बड़ा कड़कता निकला इसमें से। आज का दिन तो फिर भी गुजर जाता है यार, रोड पे लोग शोक दिख रहे होते हैं, लेकिन जो तो कल का दिन होता है ना संडे, उस दिन काम पे जाते हुए ऐसी मौत आती है ना कि आप सोच नहीं सकते। पूरी रोडें खाली होती हैं, ऐसा लगता है कि तो मैंने ही दुनिया में काम पर जाना है और सारे जो है वो घर में मरे आराम कर रहे हैं। इधर तरह देख लें कोई लेपर्ड वगैरह मिले हमें सिविक सेंटर के अंदर, या लेपर्ड से बड़ा लेपर्ड कुरियर या TCS के कुरियर कर कंपनी मिले। हमारे दो पार्सल उसको बुक करा के जहाँ छुड़वाए यार। इधर की अच्छी बात यह है कि सारे लाइन में ही हैं, सारे जितने भी हैं वो एक साथ ही हैं, तो बंदे ने जहाँ भी जाना हो इजीली जा सकते। लेपर्ड हमारा फेवरेट है। शुक्र है पास से हमारे बुक हो गए, ये जिम्मेदारी होगी अब ख़त्म, वरना बहुत मसला रहता है इसका यार, पार्सल की टेंशन रहती है मुझे। यहाँ से ये जगह क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, बहुत ख़तरनाक भी है, लेकिन हमें इधर जाने के लिए यहाँ से टर्न करना पड़ता है और सामने जाना है हमने हमराही ट्रैवल्स पे। फाइनली हम कामयाब होकर पहुँच तो गए हैं अपनी जगह पर, अपनी डेस्टिनेशन पर। रोड क्रॉस करके ये है जी लारी अड्डा, ओ लारी अड्डा कह रहा हूँ, न्यू सवांडा, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। चलो जी एक और पार्सल आ गया है हमारा, सवांडे वाला काम तो हमारा हो गया कंप्लीट, पार्सल हमने पिक कर लिया है। आज पता नहीं वीकेंड है ना, इससे आज रश है इधर काफी। सामान जरा अपना उतार के रखें अंदर, खाना चल रहा है। बासित भाई फिर मानते कि नहीं? नहीं। क्या कहते हैं? बॉलर जब ये है ना कि डिस्टर्ब कर रहा हो आपको, उसकी लाइन को डिस्टर्ब करने के लिए आप सुधर स्लॉग स्लीप पे छक्का लगाते हैं। नहीं आप इधर टेस्ट मैच है, नहीं नहीं टेस्ट मैच है, मैं आपको मारने भी नहीं दूंगा। चल सब राजे मैं जा रहा हूँ यार, ठीक है यार। तेरे भाई अपनी सेहत का ख्याल रखा कर, पता जब तू दुकान नहीं आता मैं कितना परेशान हुआ। चल झूठा कसम से ये बात सच है यार। कॉल ना तुमने एक बार करके नहीं पूछा, तू खुद कहता मुझे कॉल ना के मैसेज किया तो मैं तुम्हें मैसेज करता। बंदा मैसेज करके पूछ लेता है। आजकल दिल नहीं लग रहा, बहुत परेशान है। वही मौसम कुछ ऐसा है, मौसम ऐसे क्या वजह, हर वक्त दिल बुझा बुझा रहता है, टेंशन में बहुत। बाबू भाई आपकी शादी नहीं हुई ना यार? हाँ
हाँ थोड़ा हम जल्दी भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बारिश वारिश जब हो जाती है ना इधर तो हमारा काम सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर हम आज इसलिए फैसला किया कि हम जल्दी चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जल्दी से इधर से दूर छूट लें ताकि फिर घर पहुँचे, क्योंकि हमारे NRI भैया जो हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने कहीं जाना है और हम आज पहुँचते पहुँचते वो भी लेट गए हैं। और बस ऑलमोस्ट हम अपने घर पहुंच गए हैं और रूटीन सेम होती है घर जाके, भाई खाना पीना, कभी कभी नहा भी लेना और उसके बाद फिर घर वालों को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, तो फिर उसके बाद फिर हम आराम से सो जाते हैं। और फिर हमारी सुबह जब आँख खुलती है तो मैं आँख खुलने से पहले आप लोगों के सामने होता हूँ। और ये हम पहुँच गए हैं अपने पैलेस में, दूध गिर गए हैं नीचे, शुक्र है फटा नहीं। और अगर तुम में से कोई मेरी वीडियो देखते हुए इधर पहुंच ही गया है तो यार अब इतना आगे आ ही गया तो चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए जाओ, लेकिन मुझे उम्मीद है इतना आगे कोई आया नहीं होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।